चलिए तो आज हम इस लौकी से कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं जो बच्चे को भी अच्छे है, हेल्दी है, तो उसी टाइप का हम रेसिपी बनाएंगे। तो इसको पहले हम छील ले, चलिए इसको थोड़ा सा काट कर लेते हैं। चलिए इसको पूरा काट करने के बाद देखिए काटने का तरीका। पहले हम इसी टाइप का गोल कटिंग किया, फिर इसके स्लाइस से देखिए बीच में से कट कर लिया इस टाइप का। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी टाइप में कट कर लेंगे। देखिए देखिए इसमें कट कर लिया, फिर भी एक दिखाएंगे, तो इसी टाइप में कट करना है। तो ये जो लौकी है पहले से ही हम धो के रखा हूँ, तो बाद में नहीं धोना है, पहले से ही धो लिया। चलिए अब पूरा अभी कट लेते हम हैं। देख सकते हैं 100 ग्राम जैसा उसके ऊपर ही है, तो मूंग दाल ले लिया। तो अभी इस दाल को हम थोड़ा सा धोएंगे, ठीक है, अच्छे से धो लेते हैं। तो इसको अच्छे से धोते हैं। देखिए अभी इस पानी का कलर देख सकते हैं, तो जैसे कि धूल भी होता है दाल में, बहुत ज्यादा दिन रहते हैं तो उसमें मिट्टी फिट्टी सब लगा रहता है, इसके लिए इसको धोना जरूरी है। और एक बार चलिए और एक बार धो लेते हैं। कढ़ाई ले लिया, तो अभी इसमें क्या करेंगे, ये बिस्लरी पानी है। अब इसमें हम इसी टाइप जो ग्लास है इसमें 2 ग्लास हम पानी दिया, तो ये जो पानी है फिल्टर वाला पानी है, और जो बिस्लरी पानी आते हैं वही पानी यूज करते हैं हम इसमें, क्योंकि ये जो दाल है ये जो दाल दिख रहा है इसको बॉईल करना है, तो इसके लिए ये फिल्टर वाला पानी बिस्लरी पानी बहुत अच्छा है, जल्दी तुरंत गल जाता है ये दाल। चलिए इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो देखिए ये जो पानी है थोड़ा सा उबल गया है, तो अभी हमको क्या करना है, जो दाल है तो दाल को डाल देते हैं। ये तो डाल दी है दाल, और फिर दाल और लौकी दोनों एक साथ बॉईल करना है। चलिए जितने भी लौकी है पूरे डाल देते हैं, तो जब तक बॉईल हो जाए हम दूसरा काम कर। अभी देखते हैं इस दाल का क्या हालत है। चलिए थोड़ा सा, तो देखिए ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, तो और 5 मिनट के लिए हम करते हैं। अभी हमको क्या करना है, इसमें नमक ऐड करेंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है इसमें। हम 2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी हम डालेंगे इसके अंदर मिर्ची, इसको भी बॉयल होना है। फिर एक बार देखती हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं दाल बॉयल हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही लगेंगे तो जो दाल है पूरा गल जाएगी। चलिए इसको हो जाने के बाद हम इसको उतार देंगे, फिर इसको थोड़ा तड़का लगाएंगे। ओके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, फिर इसको उतार के तड़का लगा लेंगे। अभी देख सकते हैं फिर से हम कढ़ाई बिठाए, तो कढ़ाई गर्म होने तक हम इसमें ऑयल डालते हैं। तो देख सकते हैं ऑयल गर्म हो रहा है। अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे 5 फोरन, 5 फोरन जो 5 मसाला से बनते हैं। तो देखिए ये होता है 5 फोरन, इसमें 5 मसाला है, तो इसके लिए 5 फोरन चलिए इसमें डाल देते हैं। देखिए ये जो 5 फोरन है इसका कलर चेंज हो चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे जिंजर। देखिए इस चलिए
चलिए इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। तो इसमें हल्दी पाउडर क्या करना है, इसमें देखिए ये जो लौकी और दाल है इसको डाल देते हैं। वाओ, इसके जो खुशबू है बहुत ही अच्छे खुशबू आ रहा है, तो बहुत गाढ़ा है, तो इसी टाइप में करना है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसके लिए चलिए हम ये जो ग्लास है इसका आधा पानी डालते हैं। देखिए अब हम शुगर ले लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, तो शुगर को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये जो शुगर है इससे टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो चलिए इसको बॉयल होने तक हम लोग इसको पकाएंगे, बस 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, पूरा 5 मिनट। तो देख सकते हैं डाल हो चुकी है, अभी इसमें डालेंगे बस एक चीज, कोरिएंडर लीफ। तो देखिए धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो बन गया है लौकी का दाल। वैसे तो ये जो दाल है दूसरे टाइप में भी बन जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आज थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया। देखिए लौकी और दाल, इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रहा है। चलिए इसको अभी उतर देते हैं, बस कंप्लीट है दाल। तो देख सकते हैं दाल बिल्कुल तैयार है, जो दाल है लौकी वाला दाल। चलिए आपको इस दाल उठा के दिखा देता हूँ किस टाइप में बना है। ये जो दाल है बहुत ज्यादा हेल्दी है, इस दाल को आप डाइट में भी यूज कर सकते हो। तो ये डाइट वाला हम बनाए आज डाइट के लिए, जो लोग डाइट करते हैं तो उनके लिए है। चलिए